बॉटम फिशिंग, यानी कि अब मतलब को समझिएगा, गहराई में मछलियों को पकड़ना। दोस्तों हमेशा बड़ी मछलियां जो होती हैं वो समुद्र की गहराइयों में ही होती हैं, और अगर आपने बॉटम फिशिंग करना सीख लिया स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फिर आप मुनाफा इतना कमाएंगे कि आप समझ भी नहीं सकते, उसको समेट भी नहीं सकते। और आज का जो काउंटर है वो आपको बॉटम फिशिंग करने का बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका दे रहा है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आप मालामाल हो जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि आप गिनेंगे नहीं तोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इसी काउंटर के बारे में बात कर रहे हैं, और बॉटम फिशिंग का एक बेहतरीन नज़रिया पेश करता हुए काउंटर बहुत ही शानदार लेवल्स पर है और अपने कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन पर है। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग बॉटम फिशिंग के समय पर सेल करते हैं, और जब हमें सेल करना चाहिए तब हम बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम लोग गिरावट पर, जब गिरावट का दौर होता है उस वक्त बेचने की कोशिश करते हैं, और जब तेज़ी का दौर होता है उस वक्त शेयर्स को ख़रीदने के लिए भाग रहे होते हैं। आप इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा और आपको प्रॉफिट देखिएगा अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे और अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो दोस्तों बॉटम फिशिंग का ये काउंटर कोई और नहीं, रैलिस इंडिया लिमिटेड, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर का ये काउंटर है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है रैलिस इंडिया, 168.60 आप ट्रेड कर रही है, 5.65 इसका करंट प्राइस है, लगभग 3.47% आप हुआ है काउंटर। मार्केट कैपिटल 3274 करोड़ की है, पी 17.73 यानी कि जस्ट हाफ है इंडस्ट्री पी के मुकाबले। और अगर हम बुक वैल्यू को देखते हैं तो बुक वैल्यू लगभग 61.28 की है, यानी कि 2.75 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है काउंटर। ईपीएस भी अच्छा है 9.50, और इसके अलावा जो फेस वैल्यू है वो 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अगर देखेंगे तो डिलीवरेबल्स को देखिए, यहाँ पर लगभग 77.62% जो शेयर्स हैं वो डिलीवरी बेस पे हैं, यानी कि डिलीवरी बेस बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम पिछले 3 दिन का एवरेज देखते हैं तो लगभग 65.7% डिलीवरी बेस है, पिछले 5 दिन का जो एवरेज है वो लगभग 59% का है, और पिछले 8 दिन का जो एवरेज है लगभग 56.7%, यानी कि डिलीवरी बेस काफ़ी बेहतर है इस काउंटर का। इंडस्ट्री भी 38.30 है, डिविडेंड का जो परसेंटेज है 250% डिविडेंड का परसेंटेज है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग में आते हैं हम लोग, आपको बताते हैं कि प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। इसके प्रमोटर्स के बारे में देखते हैं, 50.09% टाटा केमिकल्स लिमिटेड, यानी कि टाटा ग्रुप की मैंने आपको कंपनी कही थी, तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड के पास 50.06% का स्टेक है, एंड इवॉट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 0.04% का स्टेक है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं हम लोग, तो सबसे बड़े निवेशक हिंदुस्तान के मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, उनके पास लगभग 9.41% स्टेक है। आप समझ सकते हैं लगभग 10% की होल्डिंग अकेले राकेश झुंझुनवाला की है इस काउंटर के अंदर, जिसका नाम है रैलिस इंडिया। इसके अलावा HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC ट्रस्टी, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, ठीक है, सुंदरम म्यूचुअल फंड, SBI मैग्नम, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, बड़े बड़े निवेशक इस काउंटर के अंदर बैठे हुए हैं, और आपको ये काउंटर बॉटम फिशिंग का एक सुनहरा मौका देते हुए। एंड इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 11% म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, लगभग इंश्योरेंस कंपनी 5.5%, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स 4.05%, एंड जो इंडिविजुअल थे उनके पास लगभग 21.63% का स्टेक है। फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं एक बार, और फाइनेंशियल्स में देखते हैं कि बेसिकली इसका मैं आपको कोड बता देता हूँ, रैलिस इंडिया इसका जो BSE का कोड है 500355 है, रैलिस इंडिया का BSE का कोड 500355, और NSE है RALLIS रैलिस, पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है ये। इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो आप देखेंगे कंपनी के ऊपर लगभग 18 करोड़ का डेट है, यानी कि डेट तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, 18 करोड़ का डेट है। रिजर्व्स लगभग 1150 करोड़ के हैं, नेटवर्थ लगभग 1178 करोड़ के आसपास की है, टोटल इक्विटी कैपिटल 19.45 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट लगभग 390 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, जो कि पिछले साल के मुकाबले कुछ कम है 2018 में। इन्वेंट्रीज 374 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस 5.69 करोड़ का है, इसके अलावा प्रोविजन 28 करोड़ के हैं, एंड टोटल एसेट्स 11,1196 करोड़ के आपके टोटल इनके एसेट्स हैं।
बुक वैल्यू 60.62 की कंपनी की है। इसके अलावा अगर हम लोग हाफ ईयरली नंबर्स की बात करेंगे जो कि सितंबर हाफ ईयरली के रिजल्ट आ चुके हैं, तो सितंबर में लगभग कंपनी ने 965 करोड़ की टोटल सेल्स या टर्नओवर डिक्लेयर किया है, जबकि सितंबर 17 में 792 करोड़ का ही टर्नओवर था। इसके अलावा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 350 करोड़ था लास्ट ईयर, जबकि अब 520 करोड़ का हो गया है। पावर एंड फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिशिएशन एंड ऑल अदर्स, अदर इनकम्स लगभग 11 करोड़ 34 लाख के, लास्ट ईयर 5 करोड़ 19 लाख की थी। इसके अलावा जो पीवीटी है वो 118 करोड़ से बढ़कर 136.77 करोड़ हो गया है सितंबर 18 जो हाफ ईयरली है उसमें। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर सितंबर 16 में जो हाफ ईयरली नंबर्स थे उनमें 83 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था, और अब 94.7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है। ओवरऑल बेसिक ईपीएस भी 4.27 से बढ़कर 4.87 कंपनी की हो चुकी है। स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, और इसका जो हाई था वो भी हम एक बार देख लेते हैं, 52 वीक हाई क्या रहा है काउंटर का। पिछले एक साल में काफ़ी गिरावट है हर काउंटर के अंदर, लगभग 290 रुपये से गिरता हुआ स्टॉक 168 के लेवल पर आ चुका है, और यहाँ पर आपको एक शानदार बॉटम फिशिंग का मौका देते हुए रिवर्सल यहाँ से आएगा। अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, इसके लिए हम लोग टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे, और टेक्निकल चार्ट्स में हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्यों हम कहते हैं रिवर्सल यहाँ से। आप देखिए ये इस काउंटर का एक पुराना चार्ट है, पूरा कंप्लीट हम लोग का लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से इस काउंटर ने, अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो काउंटर ने लगभग 10 दिसंबर 2008 जब 19 रुपए का था वहाँ से चलना शुरू किया स्टॉक ने, और उसके बाद अपना हाई लेवल टच किया लगभग 183 रुपए का 2011 तक, अक्टूबर 2011 तक। उसके बाद काउंटर में कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, और काउंटर ने सितंबर 2011 से जब कंसोलिडेशन शुरू किया तो वो लगभग चला इसका अप्रैल 2013 तक, यानी 2 साल तक कंसोलिडेशन चला। उसके बाद फिर से अब ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ पर आकर ये इसका जो रेजिस्टेंस है आप देखेंगे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ से इतने, फिर ये अपसाइड मारा यानी कि हायर हाई हायर लो, उसके बाद हायर हाई बनाया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो लो बनाया लोअर लो बनाया, इस लोअर लो के बाद इतने फिर से यहाँ पर डबल टॉप मेंटेन किया। आप देखेंगे यहाँ पर डबल टॉप करेक्शन आया, और इस करेक्शन के बाद काउंटर ने एक अच्छा मोमेंट दिया और अपना हाई टच किया लगभग 300 रुपीज़ का, एंड बट सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन किया लगभग 260 के आसपास। एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे जुलाई 15 के बाद से काउंटर में गिरावट रही, और काउंटर ने अपना लो बनाया लगभग 143 रुपीज़ का फरवरी 2016 के अंदर। फरवरी 2016 में काउंटर ने अपना 140 के आसपास का बॉटम बनाया, एंड उसके बाद काउंटर ने लगभग अपना टॉप बनाया दिसंबर 2017 में 290 रुपये का अगेन, जो कि उससे पहले इसने 2015 मार्च में बनाया था, यानी कि डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया। डबल टॉप के बाद डबल बॉटम फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर आके, डबल बॉटम फॉर्मेशन करेगा लगभग 145 से लेके 150 रुपीज इज द बॉटम फॉर्मेशन, एंड दिस इज द वेरी वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव प्राइजेज इन द रैलिस इंडिया। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे सो बेस्ट बाइंग जोन रहेगा लगभग 150 के आसपास का, अगर काउंटर में लगभग आपको 150-155 के लेवल मिलते हैं, ऑसम नंबर्स, ऑसम लेवल रहेगा, अमेजिंग लेवल रहेगा। यहाँ से काउंटर में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, मात्र 15-20 रुपए की डिप, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और डबल बॉटम बनाने के बाद देखिए डबल टॉप डबल बॉटम, और डबल बॉटम बनाने के बाद ट्रिपल टॉप की तरफ जाएगा, यानी कि वापस 290 रुपीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट बॉटम फर्स्ट टॉप यहाँ पर 290, सेकेंड टॉप यहाँ पर 290, एंड उसके बाद फर्स्ट बॉटम 140 एंड सेकेंड बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि इस सेकेंड बॉटम फॉर्मेशन के बाद काउंटर में ट्रिपल टॉप बनेगा, डबल टॉप बन चुका है, ट्रिपल टॉप की तरफ जाएगा, यानी कि 290 रुपीज इज द नेक्स्ट टारगेट इन द रैलिस इंडिया, यानी कि यहाँ से आपको लगभग 80% के अपसाइड मिलेंगे अगले 15-16 महीने के अंदर, यानी मैक्सिमम आप 1.5 साल मैक्सिमम मान सकते हैं इस काउंटर में, लगभग आपको 300 रुपये से लेकर 320 रुपये तक का लेवल मिल सकता है, और आपका पैसा दोगुना हो जाएगा इस काउंटर में निवेश करते ही। सो दोस्तों ये रहा वो काउंटर जो कि आपको बॉटम फिशिंग का बहुत ही सुनहरा अवसर दे रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और डबल बॉटम के बाद ट्रिपल टॉप बनाएगा, और ट्रिपल टॉप इसका बनेगा लगभग 300 रुपीज का। तो गाइज गेट रेडी, एंड जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ, चार्ट स्ट्रक्चर के साथ, कब किस लेवल पर खरीदना है, क्या स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं, तो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इफ
अगर आपने बॉटम फिशिंग करना सीख लिया और आपने अगर यू नो करेक्शन के समय पर, डीप करेक्शन के समय पे अगर अच्छे काउंटर्स में निवेश कर दिया और पोजीशन बना ली, तो आप बिलीव कीजिए कि जब अगले 2 से 3 सालों में एक बुलिशनेस मार्केट के अंदर आएगी, तो आज का जो आपका निवेश है वो अगले 3 सालों में या अगले 5 सालों में, जब हम कहते हैं कि 19 में इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद जब 2024 में जब इलेक्शंस आएंगे, तब तक आपका पैसा लगभग 3 से 4 गुना बढ़ चुका होगा। सो दोस्तों, ये रहा हमारा वो शेयर जो कि बॉटम फिशिंग के लिए रेडी है, और आपको इस काउंटर में निवेश ज़रूर करना चाहिए। सही समय आपको मिलेगा लगभग 150 रुपये का, वो लेवल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो ये रहा बॉटम फिशिंग का काउंटर जो कि आपको शानदार मुनाफे देगा और आपको बनाएगा मालामाल। अगले वीडियो में हम लोग फिर ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।